नमस्कार। हम सब तो सभी बड़ों के लिए जो स्नैक्स बनता है या मोमो बनाए हैं वो तीखा होता है, तो आज हम बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं फ्रूट्स वाला मोमो, जो कि बहुत ही हेल्दी होगा। तो इसके लिए मैंने लिया है सेब, अंगूर, गाजर और बॉयल हरा मटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है। तो बच्चे भी खुशी से खाएंगे। छोटे बच्चों के लिए स्पेशली ये मैंने तैयार किया है। तो आप देखते रहिए कैसा बना ये मोमो का रेसिपी। जब तक जो मोमो ये का हमें आटा है, हमारा जो इसमें दही हम में तेल फ्राई का होने यूज़ वाला नहीं करने वाले ये हैं, बन रहा है, सिर्फ स्नैक्स नमक बन से रहा ही है, तो छानेंगे तक हम चलिए बच्चों ताकि के लिए हेल्दी तैयार मिले करते बच्चे हैं, को। जो कि बिना तीखा और हेल्दी होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए जो मैंने गाजर रखा हुआ था, और सारे गाजर इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा मटर, उबला हुआ मटर है ये, और एक जो सेब मैंने रखा था, सेब को थोड़ा ग्रेट करके डालेंगे। बच्चों को तीखा भी ना लगे और उनके हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हम इसमें ये एप्पल को छील के मैंने ग्रेट कर लिया है। करने के बाद अब ये जो अंगूर है, ग्रेप्स, इसे भी आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। के बाद इसमें देखिए एक चुटकी भर मैंने नमक ऐड किया है, ताकि सेब का स्वाद, अंगूर का स्वाद, गाजर का जो मिठास है वो बरकरार रहे। इसमें थोड़ा सा, इसलिए हल्का सा नमक दिया हुआ है। सभी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। और 1 चम्मच के करीब मैंने चीनी ऐड किया है। इसे अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसे रखना है। तो हम जो बच्चों के लिए बना रहे हैं वो इस तरीके से तेल का प्रयोग कम करेंगे, क्योंकि डो में हमारा थोड़ा सा तेल है, पर हम इसमें और अब तेल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम मोमो के शेप में सारा फ्रूट्स को इसमें डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से एप्पल, ग्रेप्स, कैरोट और पीस, इसे इस तरीके से डाल के ऐसे मोमो के शेप में इसे हमें बनाना है। बच्चे भी मोमो के नाम सुनते ही उन्हें बहुत खुशी आती है, तो ये खुश हो जाते हैं। तो इसे बच्चों को खुश करने के लिए तथा आप ये देखिए इस तरीके से सभी को हम बना लेंगे। यह है फ्रूट्स मोमो जो बच्चों को हम देने वाले हैं। अच्छा से मैंने सील कर दिया है, तो इसे हम इस तरीके से
बस मोमो के शेप में देना है, बच्चे बड़े खुशी से खाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने बना लिया है इस तरीके से। तो सभी को इसी तरीके से हम बेल के बना लेते हैं। तो इसे हम पहले की तरह इसी से शुरू करते हैं। ये है बच्चों के लिए मीठा हेल्दी फ्रूट, ये मोमो शेप का। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसे अब हम इसमें, ये देखिए पानी चढ़ा दिया, पानी के ऊपर एक स्टैंड रखा है और इसे हल्का सा ग्रीस करके गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तो इसमें अब हम सभी चीज़ों को इस तरीके से रखेंगे। बस इसे अब हम ढक के 15 मिनट के लिए स्टीम को मीडियम में करके छोड़ देते हैं। तो ये हमारा फ्रूट्स मोमो बनके तैयार हो चुका है।